रेडी 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 एकदम रेडी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। जैसे कि अगर आपको टीएमसी प्रॉपर्टी लेनी हो महारेरा अप्रूव्ड फ्रॉम उमरा स्टेशन टू शिलफाटा, तो आपको पेमेंट करना होगा 1% पेमेंट प्लान पे आप फ्लैट बाय कर सकते हो, जिसमें आपका डाउन पेमेंट एक होता है। डाउन पेमेंट देने के बाद एवरी मंथ का आप 1% पेमेंट प्लान पे फ्लैट खरीद सकते हो। हमारे जवान ने जैसे आपको बताया कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर संपर्क ना हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमारे मेंबर टीम मेंबर से या हमारे मैनेजर से मिलिए, बात करिए, इंशाल्लाह इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। प्रेशर बना के ये यात्रा को मुमरा कलवा मुमरा से ली जाएगी और नारे ऐसे दे के मुमरा में कहीं ना कहीं माहौल खराब होने का डर था। आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और चाहते तो नारों को रोक सकते थे, मगर नारों को रोकने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उस लोगों को ढूंढ के उन पे कड़क कार्रवाई की जाए। आमदार साहब को दिमाग नहीं है, अपनी सरजमीन को पहले तलाश करे। बबलू भाई, आज आपने सभी पत्रकारों को बुलाया है, क्या मामला है, क्या बताएं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। कल जो शिव सम्मान शिवाजी महाराज के सम्मान में जो यात्रा निकाली गई, यात्रा कोकण से निकलती है, न्यू बॉम्बे होके टिपटॉप प्लाजा थाना में खत्म होती है। इसको जानबूझ के मुमरा के दो लोगों ने इसको कलवा मुमरा से परमिशन दिलाने के लिए प्रशासन पर प्रेशर बनाया, और वो प्रेशर बना के ये यात्रा को कलवा मुमरा से ली जाएगी। ये दो लोगों के सामने यात्रा में कई एक नारे लगे, जो नारे सेंसिटिव थे, और नारे ऐसे थे कि बुमराह में कहीं ना कहीं माहौल खराब होने का डर था। ये फिर से एक नाकाम कोशिश की। ये दो जो ये दो लोग है जो कल जो यात्रा थी उसके एक दिन पहले से बुमराह पुलिस स्टेशन में लगातार प्रशासन पे प्रेशर बना के परमिशन के लिए प्रयास कर रहे थे। फिर प्रशासन ने कल मॉर्निंग के टाइम पे इनको परमिशन दी, और परमिशन दिलाने के बाद ये दोनों लोगों ने, ये दो लोग हैं जिन्होंने इस ये यात्रा का शंकर मंदिर में स्वागत किया, उन लोगों के सामने भी नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, मगर वो चाहते तो नारों को रोक सकते थे, मगर नारे कंटिन्यू उनके सामने लगाए गए। मैं खास करके राजन किने और इदा रशीद से आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। आप बार बार कोशिश की जा रहे हैं, मुमरा के हिंदू मुसलमान अंबेडकर समाज जो हिंदू सिख ईसाई जो हमारी समाज है एक दूसरे कई सालों से एक दूसरे साथ में रह रहे हैं, आप बार बार ये लगातार कोशिश की। मैं पुलिस प्रशासन से, डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से और पीआई कुलटकर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी हरकतों जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और नाकाम कोशिश बार बार जो की जा रही है मुमरा के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये बार बार जो कर रहे हैं उस पर आप कार्रवाई करें। आपका कहने का मतलब है कि ये रैली सिर्फ जो है कोकण से निकलती थी, टिकटॉक प्लाजा पे आकर खत्म होती थी, तो मुमरा में लाने की परमिशन जो है जो आप नाम दे रहे हैं इन्हीं दो लोगों ने दिलाई थी, ये आपके पास कन्फर्म है? बस मैं आपको इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपसे आपको एक बात बता दूं, ये प्रशासन ये रैली की परमिशन देने के लिए हक में नहीं था, क्योंकि ये रैली खत्म होती है थाना में टिकटॉक प्लाजा न्यू बॉम्बे पे निकलती है, मगर ये दो लोगों ने नाकाम इसको लोगों ने प्रयास किया, और ये खास करके प्रयास किया कि कलवा मुमरा से रैली निकले, और ये दोनों लोगों का ही काम है कि प्रशासन पे प्रेशर बना के ये रैली का परमिशन लिया गया, और ये दोनों ने शंकर मंदिर में रैली का इसका स्वागत किया। हम भी शिवाजी महाराज के हम भी मानने वाले हैं, उनके हम भी अनुयायी है, मगर ऐसी नाकाम कोशिश कि वो उनके सामने ही आपत्तिजनक नारे लगाए गए, वो चाहते थे नारों को रोक सकते थे, मगर नारों को रोकने की उन्होंने कोशिश नहीं की, और कभी ना कभी ये माहौल कहीं ना कहीं इस चिंगारी गिरती माहौल खराब होता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? अगर आप कह रहे हैं कि आपत्तिजनक नारे लगाए गए तो पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद थी, आप कह रहे हैं कि वो लोग भी वहां मौजूद थे, इसके अलावा पुलिस भी मौजूद थी, तो क्या आप उन आपत्तिजनक नारों को लेकर पुलिस में शिकायत वगैरह कुछ की है? मैं अभी हम लोग इस बारे में कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं, इस बारे में बैठक बुलाई है इंशाल्लाह शाम में, इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे कि प्रशासन से, मैं बार बार यही कर रहा हूं कि आप प्रशासन भी वहां मौजूद था और ये दो लोग भी वहां मौजूद थे, और दो लोगों के सामने प्रशासन के सामने बाकायदा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में वो नारों के ऐलान आवाजें आ रही है, तो उस पर प्रशासन उस लोगों को ढूंढ के उन पे कड़क
कार्रवाई की जाए, हमें प्रशासन में मांग करनी। वो रिकॉर्डिंग पुलिस में दी है आपने? मैं प्रशासन में जब हम मीटिंग होने के बाद और जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो प्रशासन को इंशाल्लाह दी जाएगी। कल से तो एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदों में रहोगे, वो कल ही का एक इंटरव्यू है, तो इसको लेकर आपने कुछ प्रशासन से बात की है? मैं इसी यही बातों को लेकर हम प्रशासन से मीटिंग करने वाले हैं कि हमारे वरिष्ठों से इस चीज की बात हो रही है। देखो हिंदू मुस्लिम इतने सारे दंगों से, मतलब भिवंडी का दंगा लो, 92-93 का बंबई का दंगा लो, फिर थाने के अंदर जो माहौल खराब गया, मगर कभी भी हमारे हिंदू समाज हो मुसलमान समाज हो कभी भी हमारे में कोई भेदभाव नहीं रहा। हम एक दूसरे के साथ ही कम गम में सुख में साथ में रहे, मगर एक कई सालों से ये आने वाली जब से इनकी गवर्नमेंट आई है बार बार ये नाकाम एक कोशिश की जा रही है कि मुमरा का माहौल खराब करने का कोशिश की जा रही है। और इन कल भी इन्होंने एक डायलॉग किए, क्या बोले आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये ऐसी बयानों पे प्रशासन कड़क कार्रवाई की जाए, हम प्रशासन से निवेदन करते। बबलू भाई जो कल रैली निकली थी ये जानबूझकर मुमरा में लाया गया है? ये मुमरा में जान ये रैली टिपका प्लाजा में खत्म होती है, ये फर्स्ट टाइम ये रैली को कलवा मुमरा में लाकर माहौल खराब करने की नाकाम कोशिश की जाएगी की गई है। और मैं दूसरी बात भी बता रहा हूँ कि किसी ने कल एक टिप्पणी भी की गई थी, क्या आमदार साहब को दिमाग नहीं है? तो मैं उस पर यही कहना चाहता हूँ या जिसने कहा है वो यहाँ के उनकी पैदाइश है, यहाँ उनके छोटे से बड़े हुए, वो 2009 में उनके ही सामने इलेक्शन लड़े, वो 15 दिन में आए और आपके सिट्टी गुल करके चले गए 17,000 वोटों से हरा के। तो दिमाग उनके पास है कि दिमाग आपके पास है? आप जरा सोच के जवाब दे। और एक जो कोई है मैडम ने कहा है कि वो ट्विटर खोलो, कोई 4 जने आपके सामने, वो 100 गिदड़ नहीं पालते, 4 शेरों को पाले। आज आप ट्विटर की बात करते हो ना, और ट्विटर पे 7.5 लाख उनके फॉलोअर है, और पूरे हिंदुस्तान में 4-10 सेकुलर नेताओं में वो आदमी का नाम आता है। तो आप पहले इलेक्शन लड़िए, अपनी अपनी सरजमीन को पहले तलाश करें, उसके बाद इतनी बड़े 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 बयानबाजी करें। अब अपने बयानों पे बाज आए तो बेहतर है।